हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नातिफ तिखार। हमारी आज की एपिसोड हमारे टू डू एप्लीकेशन सीरीज की थर्ड एंड लास्ट एपिसोड है। इससे प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने कुछ यूजफुल npm पैकेजेस को इंस्टॉल किया था और इसके अलावा कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे और उन तमाम कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लेआउट हम लोगों ने हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन का बिल्ड किया था। हमारी आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ यूजफुल npm पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और जो हम लोग npm पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे वो सब फायरबेस से रिलेटेड होंगे और इसके अलावा हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग फायरबेस को अपनी इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने टू-डूस क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्रिएटेड टू-डूस को कैसे फायरबेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं एंड फायरबेस से हम लोग अपने टू-डूस को कैसे फेच कर सकते हैं और हम लोग अपने कुछ स्पेसिफिक टू-डूस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो एक लिहाज का करंट ऑपरेशन भी आप लोगों को हमारी आज की इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो हमारी इस स्टूडियो एप्लीकेशन सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो चलिए अब हम लोग हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, ये हमारी टू डू एप्लीकेशन है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। अगर हम लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन के फीचर्स के ऊपर बात करें सो यहाँ पर इस वक्त हमें एक इनपुट फील्ड शो हो रही है और उसके साथ एक बटन शो हो रहा है और उसके अलावा एक मैसेज जिसमें लिखा हुआ है टू डू बॉक्स इज एम्प्टी, क्रिएट योर फर्स्ट टू डू नाउ। और यहाँ पर जो हमारा ऐड बटन है वो इस वक्त डिसेबल है बिकॉज जो हमारी इनपुट फील्ड है इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। जैसे ही मैं अपने इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखूंगा, जैसे ABC टेक्स्ट लिखा मैंने, सो हमारा ये ऐड बटन अनेबल हो गया है। सो चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट टू डू क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट और यहाँ पर ऐड बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा सो मेरा ये टू डू क्रिएट हो जाएगा। सो देखिए मेरे फर्स्ट टू डू यहाँ पर क्रिएट हो गया है और चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना एक और टू डू क्रिएट कर लेता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग और ऐड बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो देखिए मेरे सेकंड टू डू भी यहाँ पर ऐड हो गया है और मैं चाहूँ तो इन दोनों में से किसी एक टू डू को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाले टू डू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग वाला टू डू यहाँ पर रह गया है और जितना भी मेरा डाटा यहाँ पर मुझे शो हो रहा है वो पहले फायरबेस के अंदर स्टोर हो रहा है और फिर बाद में यहाँ पर रिट्रीव होकर हमें शो हो रहा है। सो ये हमारा डाटा परमानेंटली यहाँ पर हमें शो रहेगा अगर मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश भी करता हूँ। सो चलिए मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी जो टू-डूज मैंने क्रिएट किए हैं मुझे यहाँ पर शो होंगे कि नहीं होंगे। मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, प्लीज वेट, वी आर ट्राइंग टू फेचिंग योर डाटा। और यहाँ पर उसके बाद मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग वाला मेरा टू डू शो हो रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पर क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा सो अगेन मेरा टू डू यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड अगेन मुझे यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा टू डू बॉक्स इज एम्प्टी, क्रिएट योर फर्स्ट टू डू नाउ। अगर आप लोग हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं सो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक को विजिट करके आप लोग इजीली इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं और टू डूज क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अब मैं कुछ यूजफुल npm पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ जिनकी हमें हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सो जो फर्स्ट पैकेज होगा वो होगा हमारा फायरबेस का पैकेज। सो मैं यहाँ पर उसके कमांड टाइप कर लेता हूँ npm i फायरबेस और अब एंटर हिट कर देता हूँ। सो अब यहाँ से हमारे इस पैकेज की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। सो गाइज, हमारा फायरबेस का पैकेज परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। सो जो सेकंड पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो होगा फायरबेस टूल्स का पैकेज। सो मैं उसके कमांड टाइप कर लेता हूँ npm i फायरबेस टूल्स और अब एंटर हिट कर देता हूँ। सो अब हमारे सेकंड पैकेज की इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गई है। सो गाइज, हमारा फायरबेस टूल्स का पैकेज भी परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग हमारी इस सीरीज में ऑनवर्ड मूव करते हैं। सो गाइज, अब हम लोग फायरबेस के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग फायरबेस को अपनी इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं और फायरबेस के ऊपर हम लोग अपना डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों ने फायरबेस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, firebase.google.com, एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बटन शो हो जाएगा गो टू कॉन्सोल का, इस बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सो ये एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो गया है। सो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड प्रोजेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि हम लोग न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकें। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डू ऐप यूट्यूब। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं गूगल एनालिटिक्स को ऑफ कर देता हूँ एंड क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो बस अब कुछ ही देर में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज हमारे टू डू ऐप यूट्यूब का प्रोजेक्ट परफेक्टली क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक थर्ड आइकन, वेब डेवलपमेंट वाला आइकन नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड के साथ ही और यूनिटी से पहले। ये वेब डेवलपमेंट का आइकन, इसके ऊपर मैंने होवर किया है और वेब लिखा नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेब एप्लीकेशन का निक नेम इनपुट कर देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डू ऐप यूट्यूब। यहाँ पर मैं फायरबेस होस्टिंग को चेक कर देता हूँ बिकॉज एट द एंड मुझे अपनी स्टूडियो एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर होस्ट भी करना है। यानी एट द एंड हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से हम लोग फायरबेस को एज अ होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय करेंगे सो बाय डिफ़ॉल्ट ये डोमेन काउंट की जाएगी टू डू ऐप FEE28। सो मैं यहाँ पर रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। एंड देखें यहाँ पर एक पैकेज की कमांड हमें नज़र आ रही है, npm install -g यानी कि ग्लोबली फायरबेस टूल्स। अब ये फायरबेस टूल्स का पैकेज हम लोगों ने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, सो इसलिए मैं अब दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने कंटिन्यू टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सेकंड का आइकन नज़र आ रहा है सेटिंग्स का, इस सेटिंग्स आइकन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू के साथ ही है सेटिंग्स का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग्स की आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर मैं अब क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर स्क्रोल डाउन करने के बाद ये कॉन्फिग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अपना वर्कस्पेस ओपन कर लेता हूँ VS Code, और सोर्स फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक firebase.js की फाइल क्रिएट की थी अपनी फर्स्ट एपिसोड में। सो मैं firebase.js फाइल को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फायरबेस को इम्पोर्ट कर लेता हूँ फायरबेस से। हम लोगों ने फायरबेस का एक पैकेज इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पर मैं अपने इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट स्टोर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ firebase.initialize app और यहाँ पर firebase config की जगह मैं लिख देता हूँ firebase app। आप इस कॉन्स्टेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पर firebase app रखा है। अब यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ db के नाम से जो कि हमारे डेटाबेस को हैंडल करेगा एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ firebase app.firestore। परफेक्ट। एंड यहाँ पर मैं अपने इस db कॉन्स्टेंट को एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करूँगा इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर अपने इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब जो मेरा फायरबेस है यहाँ पर अब हम लोग अपने डेटाबेस को भी सेटअप कर लेते हैं। सो डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पर फायरस्टोर डेटाबेस का मैं यूज़ करूँगा। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साइड बार पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगी फायरस्टोर डेटाबेस की, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब हमें एक बटन मिलेगा क्रिएट डेटाबेस के नेम से, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं टेस्ट मोड को मैं यूज़ करूँगा। सो मैं स्टार्ट इन टेस्ट मोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अनेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
सो गाइज, हमारा डेटाबेस क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस हमारा परफेक्टली क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। वैसे कलेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, बाद में जब हम लोग अपने टूडूज को फायरबेस के ऊपर स्टोर करेंगे बाय डिफॉल्ट कलेक्शन अपने आप ही यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कलेक्शन का नाम रखता हूँ टूडूज और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट की आईडी को ऑटो आईडी कर देते हैं एंड यहाँ पर फील्ड्स हम लोग अपनी सजेस्ट करते हैं, यानी कि फील्ड हम लोग अपनी सेलेक्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट फील्ड का मैं नेम रखूँगा वो होगी हमारी टू डू की फील्ड, और यहाँ पर मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट। सो ये हमारे फर्स्ट फील्ड की वैल्यू है वेब डेवलपमेंट। अब मैं चाहूँ तो एक न्यू फील्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं नाम आईडी दे सकता हूँ, और एक थर्ड फील्ड भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी बाकी दो फील्ड्स में क्रिएट नहीं करूँगा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम लोग अपने टूडियोज़ को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, सो हमारी ये फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी, वो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पर अब सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वैसे देखा जाए तो हमें हमारे इस डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज बाद में हम अपना डॉक्यूमेंट खुद ही क्रिएट कर लेंगे जब हम लोग अपना टूडियो क्रिएट करने लगेंगे। सो फिलहाल कोई बात नहीं। अब जो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्लाउड फायर स्टोर का, ये बेसिकली हमारे डीबी कांस्टेंट इसको अब हैंडल करेगा। इस डीबी कांस्टेंट के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने इस डीबी कांस्टेंट को एक्सपोर्ट किया है फायरबेस ऐप डॉट फायर स्टोर से। हम लोगों ने अपने डेटाबेस को एक्सेस किया है और उसकी एक्सेस हम लोगों ने अपने डीबी कांस्टेंट को दे दी है। सो गाइस, अब हम लोगों ने परफेक्टली फायरबेस पे अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है एंड अपने डेटाबेस को भी क्रिएट कर लिया है, और डेटाबेस को अपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच भी कर लिया है। अब हम लोग हमारे इस सीरीज में ऑनवर्ड मूव करते हैं। सो गाइस, अब हम लोगों ने फायरबेस को भी परफेक्टली अपनी इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लिया है और डेटाबेस को भी अपने क्रिएट कर लिया है। मैंने यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है एंड ये मेरा करंट प्रोजेक्ट टू डू एप्लीकेशन का यहाँ पर ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टूडूज़ को क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्रिएटेड टूडूज़ को कैसे फायरबेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, और फायरबेस से हम लोग अपने टूडूज़ को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं और अपने टूडूज़ को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। सो ये सारा का सारा काम हम लोग अपने कंटेनर फोल्डर के अंदर आते हैं, और ये टू डू डॉट जॉन से जी एस फाइल है टू डू डॉट जी एस, इसके ऊपर हम लोग अपना सारा का सारा काम करेंगे। सो मैं यहाँ पर अपने साइड बार को क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को कोड ईजिली नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पर अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अगर व्यू के ऊपर जाऊँ, यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने डेटाबेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, अपने डीबी कांस्टेंट को जिसको हम लोगों ने फायरबेस की फाइल से एक्सपोर्ट किया था। सो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डीबी फ्रॉम फायरबेस, परफेक्ट, सेव। अब इस डीबी के अलावा हमने एक यूआईडी का पैकेज भी इंस्टॉल किया था हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अपने उस UUID पैकेज को भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट V4 as UUID from UUID, परफेक्ट। सो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी अपनी स्टूडियो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, मैंने उनको परफेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इन चीज़ों के अलावा मुझे कुछ हुक्स की भी ज़रूरत है, जैसे यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफ़ेक्ट हुक, उनको भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट, एंड इसके अलावा एक यूज़ स्टेट की हुक भी की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, परफेक्ट। एंड यहाँ पर अब कर्ली ब्रैकेट्स के बाद रिटर्न स्टेटमेंट से पहले मैं यहाँ पर कुछ स्टेट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट टूडूज एंड सेट टूडूज, बिकॉज हम लोगों ने अपने टूडूज क्रिएट करने हैं, सो दैट्स मैंने यहाँ पर स्टेट क्रिएट की है अपनी। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब यूज स्टेट राउंड ब्रैकेट्स, एंड इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपना एरे के लिए ब्रैकेट्स भी अपने यहाँ पर बिग ब्रैकेट्स भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ।
सो अगेन मैं एक और स्टेट मैं क्रिएट करता हूँ इनपुट के नेम से, बिकॉज हमें इनपुट फील्ड को भी हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए सेट इनपुट इज इक्वल टू यू स्टेट बस राउंड ब्रैकेट्स, एंड इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपने सिंगल कोट्स लिख देता हूँ, सेव। अब इसके अलावा हमने ज़ाहरी बात है लोडिंग भी तो ऐड करनी है ना। अगर मैं यहाँ पर अपनी वो टू डू एप्लीकेशन ओपन करूँ जिसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पर उसकी डोमेन एंटर करता हूँ, टू डू ऐप फॉर व्यूअर्स। फिलहाल इस डोमेन के लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस डोमेन को विजिट करके ईजिली हमारे टू डू एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये टू डू एप्लीकेशन हम लोग फिलहाल क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने टू डू क्रिएट करूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट, एंड ऐड बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, सो देखें मेरे टू डू यहाँ पर ऐड हो गया है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो यहाँ पर आप लोग को एक लोडिंग एनिमेशन देखने को मिल रही है, प्लीज़ वेट वी आर ट्राइंग टू फैच इन योर डाटा। इस एनिमेशन को यहाँ पर पुट करने के लिए, इस लोडिंग को यहाँ पर पुट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और स्टेट हम लोग क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यू स्टेट, यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे, बिकॉज ज़ाहरी बात है हमें लोडिंग होते हुए नज़र आनी चाहिए स्टार्टिंग पर, फिर थोड़े टाइम के बाद हमारी लोडिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जानी चाहिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस लोडिंग की भी बाद में हम लोग लाजमी यहाँ पर कोडिंग करेंगे बाद में, फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट की कोडिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट, मैं अब यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करता हूँ ताकि हम लोग डेटाबेस से DB से अपने टूडियोज़ को फैच कर सकें। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर db.collection, जो हम लोगों ने कलेक्शन अपना क्रिएट किया था टूडियोज़ के नेम से। अब इस कलेक्शन का एक स्नैपशॉट ले लो, एक पिक्चर शूट कर लो हमारे इस कलेक्शन की। अब यहाँ पर मैं टू डू को यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लिखकर मैं एंटर हिट करता हूँ। अब जो मेरा सेट टू डूज़ है इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड इस सेट टू डूज़ के अंदर जो मेरा ये टू डू है, इस टू डू में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे डॉक्स, इनको मैप कर दो। अब मुझे फ़िलहाल जब मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मैप करूँगा, सो मुझे एक एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक, यानी कि मेरा ईच डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरो फंक्शन, एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, राउंड ब्रैकेट्स का मैं यूज़ करूँगा, एंटर। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में मैं अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ID इज़ इक्वल टू डॉक, मेरे ईच डॉक्यूमेंट की ID, ताकि मैं एज अ की भी अपने ईच टू डू को की भी पास कर सकूँ, की। दैट्स मैंने यहाँ पर अपनी ID को यहाँ पर क्रिएट किया है, अपनी डॉक्यूमेंट की ID को मैंने फैच किया है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर एक टू डू की क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर doc.data, मतलब कि मेरे डॉक्यूमेंट का डाटा, ईच डॉक्यूमेंट का डाटा, ठीक है, वो मैंने इस टू डू कॉन्स्टेंट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। और यहाँ पर एट द एंड ऑफ ओवर यूज़ इफेक्ट, यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि एक टाइम बस एक बार ही मेरा यूज़ इफेक्ट रन हो। मैंने इसको सेव भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग अपने सेट लोडिंग की स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सेट लोडिंग, एंड यहाँ पर सेट लोडिंग का फ़िलहाल हम लोग बाद में यहाँ पर लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइम आउट, एंड यहाँ पर हम लोग अगेन राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, एरो के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, या तो कर्ली ब्रैकेट्स जगह हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेट लोडिंग फॉल्स। अब कितने टाइम के बाद फॉल्स होना चाहिए, मतलब कि हमारी लोडिंग कितने टाइम के बाद बंद होनी चाहिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 सेकेंड्स के बाद, 3 सेकेंड्स के बाद मेरी लोडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सेव भी कर दिया फाइल को, सो यहाँ पर मैंने ऑटो फॉर्मेट ऑन किया हुआ है, दैट्स मीन यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। अब मैं यहाँ पर अपने क्रिएट टू डू को क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर अपना एक फंक्शन मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर अपना एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट क्रिएट टू डू इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स, परफेक्ट। सो यहाँ पर अपना फर्स्ट फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया टू डूज़ को क्रिएट करने के लिए। अब अपना सेकंड फंक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ टू डूज़ को डिलीट करने के लिए। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट टू डू, परफेक्ट। हम लोगों ने अपना सेकंड फंक्शन भी क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इस इनपुट फील्ड को हैंडल करता हूँ, जो मेरी ये इनपुट फील्ड है
अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जो भी लिख रहा हूँ मुझे इसको अपनी स्टेट के अंदर स्टोर करना है। जो मैंने यहाँ पर स्टेट क्रिएट की हुई है इनपुट के नेम से, इस इनपुट के अंदर मैंने स्टोर करना है इसको, जो भी मैं अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सो इसलिए मैं अपने इनपुट फील्ड के पास जाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये यहाँ पर आई थिंक मेरी इनपुट फील्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करें तो ये रही मेरी इनपुट फील्ड, ये वाली मेरी इनपुट फील्ड। अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू पास कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर स्टेट का नाम हम लोगों ने इनपुट रखा था, यस। वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट होगी जो कुछ भी नहीं है वैल्यू हमारी स्टेट के अंदर फिलहाल। तो जैसे चेंज हो हमारे इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह चेंज हो, ऑन चेंज यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, सेट इनपुट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई, एंड यहाँ पर लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जो भी हम लोग यहाँ पर इनपुट में अपनी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे यहाँ पर स्टेट अपडेट होगी, एंड यहाँ पर इनपुट के अंदर हमारी वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ, देखें यहाँ पर टाइप किया जा रहा है। अब बिकॉज़ यहाँ पर टाइप इसलिए हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर हम लोगों ने ऑन चेंज का यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसको नहीं यहाँ पर ऑन चेंज लिखता सेव, सो यहाँ पर देखें हम लोग कुछ भी नहीं अब कर सकते। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऑन चेंज का यूज़ किया था, ताकि हम लोग अपना टेक्स्ट लिख सकें और उस टेक्स्ट को हम लोग अपनी स्टेट के अंदर स्टोर कर सकें इनपुट स्टेट के अंदर। सो परफेक्टली हम लोगों ने अपने इस इनपुट को भी हैंडल कर लिया है। अब हम लोग अपने बटन को हैंडल करते हैं, जो मेरा ऐड बटन है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। एक बार इसको अगेन देख लेता हूँ, देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉर्म का बटन डिसेबल है। अब मुझे इसको इस काबिल बनाना है अगर हमारी इनपुट फील्ड एम्प्टी है तब ये डिसेबल हो। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिसेबल, इसके बाद लिखता हूँ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, अगर हमारी इनपुट फील्ड एम्प्टी है तब ये डिसेबल होना चाहिए। अगर मैं इसको अब सेव करूँ, सो देखें हमारी इनपुट फील्ड के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऐड बटन इनेबल हो गया है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड से अपने टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ, सो हमारा ये ऐड बटन अब डिसेबल हो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं अपनी आइटम को रिमूव कर देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग वाली, ठीक है जी, सेव, परफेक्ट, हमारी आइटम रिमूव हो गई है। अब यहाँ से मैं अपने टूडूज़ को क्रिएट कर लेता हूँ। सो आई थिंक हमारा फॉर्म नीचे था, ये हमारा फॉर्म है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी इनपुट फील्ड से डाटा तो फेच कर ही लिया है। सो यहाँ पर टाइप मैंने सबमिट दी हुई है, एंड जैसे ही इस पर क्लिक हो हमारे इस बटन के ऊपर फॉर्म के, सो क्रिएट टू डू फंक्शन के ऊपर ये रन हो जाए, क्रिएट टू डू के ऊपर, सेव। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, सो ये क्रिएट टू डू फंक्शन के ऊपर चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई इवेंट, अब ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, सेव। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने इस फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ताकि मैं डेटाबेस के अंदर अपने इस टू डू को स्टोर कर सकूँ। अगर मैं आप लोगों को अभी अपने डेटाबेस के ऊपर लेकर जाऊँ, तो देखें फिलहाल तो एक ही डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट हुआ है जिसके अंदर टू डू की फील्ड है वेब डेवलपमेंट। अब मैं अपना एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। सो यहाँ अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ, सो देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट है। मैं यहाँ पर अब अपना वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ डीबी डॉट कलेक्शन डॉ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टूडूज़ की जो सी मेरी कलेक्शन थी इसमें ऐड कर दो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ अब आईडी यूयूआईडी, मतलब मेरी ईच टू डू की एक आईडी भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की आईडी के अलावा भी मेरी ईच टू डू की एक आईडी भी होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर इसलिए आईडी को इजिकल टू कर दिया यूयूआईडी, ताकि एक रैंडम आईडी जनरेट हो जाए। और नेम को मैं इनपुट इजिकल टू कर देता हूँ मेरे इस इनपुट के, मेरे इस स्टेट के। अब ज़ाहरी बात है जब मैं अपने इनपुट के अंदर कोई टेक्स्ट लिखूंगा, सो मेरी स्टेट अपडेट होती रहेगी। सो दैट्स मैंने नेम को इनपुट के इक्वल कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ जब मेरा ये टू डू क्रिएट हो जाए, तब मेरी ये इनपुट फील्ड एम्प्टी हो जाए अगेन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेट इनपुट अगेन एम्प्टी, सेव। अब देखिए फिलहाल तो मेरी एक ही मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। सो मैं यहाँ पर एक और टू डू मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एड बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ,
सो अब मैं अपने डेटाबेस के ऊपर जाऊँ, यहाँ पर देखें मेरा एक टू डू यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नेम से। एंड यहाँ पर मेरे टू डू को मैंने आईडी भी डिफाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ UUID। अब मैं यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ, वेब डेवलपमेंट वाले जो हम लोगों ने खुद क्रिएट किया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट, अब हमारे पास फ़िलहाल तो एक ही टू डू है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि फायरबेस से मैं अपने टू डूज़ को फैच करूँ। सो मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं साइड बाई साइड अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने टू डूज़ को फैच करूँगा। सो टू डूज़ को फैच करने के लिए ये जो मेरी टू डू लिस्ट है इसको मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट में टू डू रैपर, ये मेरी टू डू आइटम, यस, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ टू डूज डॉट मैप, इधर मैं लिखता हूँ डॉक, ठीक है, एंटर हिट में करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट की जगह डॉक डॉट टू डू डॉट नेम, परफेक्ट। एंड यहाँ पर अगर मैं अब इसको सेव करूँ, सो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना चाहिए, रिफ्रेश, ओके, टू डूज डॉट मैप, यस, यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रैकेट्स के बजाय राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना चाहिए था। अब मैं यहाँ पर अगेन कोड को पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ से एंड से मैं सेमीकोलन को ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सो परफेक्टली अब मेरा यहाँ पर मुझे टू डू शो हो रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर किया था डेटाबेस के ऊपर। अब अगेन मैं एक और टू डू क्रिएट कर देता हूँ। अब जो भी मैं टू डूज क्रिएट करता रहूँगा वो नीचे मुझे शो भी होते रहेंगे। मैं यहाँ पर गेम डेवलपमेंट के नेम से अपना एक टू डू क्रिएट कर देता हूँ, गेम डेवलपमेंट, परफेक्ट। मेरा सेकेंड टू डू भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है एंड मुझे शो हो रहा है। अब हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा टू डू पहले डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, फिर बाद में मुझे यहाँ पर रिट्रीव होकर शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करूँ सो मेरा टू डू डिलीट हो जाए। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक, ये चल जाए भाईजान। यहाँ पर मैं एक फंक्शन टाइप कर देता हूँ, ई डिलीट टू डू, यहाँ पर मैं डॉग पास कर देता हूँ एंड यहाँ पर ऊपर मैं आता हूँ एंड यहाँ पर जो मैंने डिलीट टू डू का अपना फंक्शन क्रिएट किया हुआ था, इस फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर में पास करता हूँ टू डू एंड इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ db.collection टू डूज। यहाँ से जो मेरा डॉक्यूमेंट है टू डू डॉट आई डी, जिस डॉक्यूमेंट की आई डी ये टू डू डॉट आई डी है, इसको भैया डिलीट कर दो, मेरे इस डॉक्यूमेंट को ही आप डिलीट कर दो। सो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अब हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ सो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो सो यहाँ पर डिलीट टू डू में चल जाओ एंड जो सब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट आ रहा है डिलीट टू डू के अंदर, ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया भाई जान डिलीट टू डू के अंदर, जो मैंने टू डू आर्ग्यूमेंट पास किया, ये बेसिकली मेरा टू डू का डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या है, डीबी में जो कलेक्शन है टू डूज़ के नाम से, इसके अंदर जाओ, कलेक्शन में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट की आईडी इस डॉक्यूमेंट से मिलती है, ये टू डू डॉट आईडी से, मैंने कहा ये जो सर टू डू है ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट की आईडी मेरे टू डू डॉट आईडी है, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप डिलीट कर दो, बस इतना काम है। अब यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखें मेरे टू डूज़ यहाँ पर फैच हो गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले टू डू को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँ सो मैं यहाँ पर सिंपली क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सो मेरा टू डू यहाँ से डिलीट हो गया, सिंपली यहाँ से ही डिलीट नहीं हुआ, डेटाबेस से भी डिलीट हो गया है। ये देखें यहाँ पर बस एक ही टू डू रहता है गेम डेवलपमेंट के नाम से, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सो देखें मेरा ये टू डू भी यहाँ से डिलीट हो गया है, परफेक्ट। अब हम लोग लोडिंग के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लोडिंग के लिए मैं अपना अगेन वर्कस्पेस ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर साइड बाय साइड अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब जाहिर बात है जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूँगा सो एक ख़ास टाइम के बाद
मेरे टू डूज मुझे शो होने चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ टू डूज अपने क्रिएट कर देता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, मैंने टू टू डूज को क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो तो एक ख़ास टाइम के बाद मेरे टू डूज मुझे शो होने चाहिए। सो मैं यहाँ पर अपने इस कोड को कट करता हूँ एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ, अगर मेरे टू डूज की लेंथ लेस देन है 1 से तो फिर क्या होना चाहिए। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफ, एंड इस डिफ को मैं कुछ क्लासेस यहाँ पर असाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम अलर्ट, अलर्ट इन्फो, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ये, बॉर्डर। बूटस्ट्रैप को बेसिकली हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ इट्स सीडीएन लिंक हम लोगों ने इसको यहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ है, बूटस्ट्रैप को अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर जो पब्लिक फोल्डर के अंदर है। सो यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का भी यूज़ करता हूँ, मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स जी मुझे चाहिए सेंट्रली, अलाइन मुझे मेरी आइटम्स चाहिए एंड इसके अलावा जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर एंड इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन भी मुझे सेंट्रली चाहिए, और इसके अलावा जो डिस्प्ले होना चाहिए भाईजान वो होना चाहिए फ्लैक्स। सो मैं लिखता हूँ फ्लैक्स, ओके। और यहाँ पर डिफ के अंदर एक स्पैनटैग मैं यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर स्पैनटैग के अंदर मैं लिखता हूँ टू डू बॉक्स इज एम्प्टी एंड यहाँ पर एक आइकन भी मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फा बॉक्स और ओपन, इस आइकन को मुझे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। सो मैं जाता हूँ टॉप में एंड यहाँ पर आफ्टर दिस iOS बैकस्पेस, वैसे डिसेबल क्यों है यार, डिसेबल तो होना नहीं चाहिए, देख लेते इसको बाद में भी। फ़िलहाल हमारा कोड तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स स्लैश फा, मैंने कि फॉन्ट ऑफ सेम के हम लोग आइकन्स यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक मिनट, सॉरी, ठीक है, मुझे डर था कहीं मैंने अपने इस किसी और चीज़ को तो मैंने कॉपी नहीं कर लिया, मुझे इस चीज़ का डर था बेसिकली, वरना मुझे दोबारा अंडू करना पड़ना था। फा बॉक्स ओपन सेफ, अब यहाँ पर एरर शो हो रहा है, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मिस्टेक तो हम लोगों ने की है। यस, मैं समझ गया हूँ क्या एरर है, ये बाद में अपने आप एरर रिमूव हो जाएगा। सो मैं करता हूँ स्पैन टैग के बाद अब मुझे चाहिए एक पी टैग जिसके अंदर मैं लिख सकूँ क्रिएट योर फर्स्ट डूज नाउ। इस पी टैग को मैं अलाइनमेंट सेंटर दे देता हूँ, ओके। स्मॉल टैग के अंदर मैं लिखता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट स्मॉल हो, क्रिएट योर फर्स्ट टू डू नाउ एक्सप्लेनेशन मार्क, परफेक्ट। एंड यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट जहाँ पर मेरा ख़त्म हो रहा है इसके बाद मैं कॉलन का यूज़ करता हूँ, अगर मेरे टू डूज की लेंथ 1 से कम नहीं है तो फिर ये कोड रन होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फिलहाल तो मैं अपने इस कोड को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स की आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पर अब अपने इस कोड को सेव करता हूँ। सो अब हमारा ये एरर रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। मैं अपने इन टू डूज को डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये हमें हमारा मैसेज शो हो रहा है बट ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो स्पैन टैग टू डू बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और पी टैग की वैसे देखा जाए तो ये पी टैग मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना चाहिए यार, ओके, ठीक है। सो मैं पी टैग को यहाँ से कट करता हूँ एंड यहाँ पर डिफ के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, सेव। अब परफेक्टली हमें हमारा यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है, परफेक्ट। अब ये क्या, ये जो टू डू बॉक्स एम्प्टी है बेसिकली ये गायब हो जाना चाहिए अगर मैं यहाँ पर अपना कोई टू डू क्रिएट करूँ। सो मैं यहाँ पर टू डू क्रिएट करता हूँ वेबसाइट के नेम से, अब मैं क्रिएट कर लेता हूँ।
सो देखें मेरा वो टेक्स्ट ख़त्म हो गया बिकॉज अब मेरे टू डूज़ की लेंथ 1 से ज़्यादा हो गई है, दैट्स वाई अब मेरा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, जो हम लोगों ने टाइम यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ये देखें ये सेट टाइम आउट में बाय डिफ़ॉल्ट जो ये मेरा स्टेट है, ये लोडिंग जो मेरी लोडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है, लेकिन मैं इसको कहीं पे यूज़ अभी नहीं कर रहा, अब मैं करूँगा फिलहाल, अब इसको मैं यूज़ करूँगा, लेकिन जो मेरी लोडिंग है ये 3 सेकंड्स के बाद ये फॉल्स हो रही है, मतलब कि मेरी लोडिंग ख़त्म हो रही है 3 सेकंड्स के बाद, अब मैं इस लोडिंग को यूज़ करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ कि स्क्रोल डाउन करता हूँ एंड यहाँ से टू डू मैप वाले अपने इतने कोड को मैं कट कर लेता हूँ। अब कट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर मेरी लोडिंग जो है वो ट्रू है, जो कि ज़ाहरी बात है लोडिंग ट्रू है हमारी, लेकिन वो 3 सेकंड्स के बाद फॉल्स हो जाएगी। अगर लोडिंग ट्रू है सो मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन डिव, डिव को मैं क्लासेस असाइन कर देता हूँ, जैसे हो गई भजान अलर्ट, अलर्ट अगेन अलर्ट इन्फो, अलर्ट इन्फो बॉर्डर, बॉर्डर भजन इन्फो चाहिए मुझे एंड राउंडेड 0, मतलब कि कॉर्नर जिसके नुकीले होने चाहिए, मतलब कि राउंडेड कॉर्नर्स नहीं इसके होने चाहिए। इनलाइन स्टाइलिंग मैं कर देता हूँ अगेन अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैं ऊपर वाले कोड को बेसिकली कॉपी इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज नहीं तो मेरा वो कोड ख़त्म हो जाना है, मुझे फिर अंडू करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैक्स परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं इस डिफ टैग के अंदर लिखता हूँ स्पैन। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे अब स्पिनर यूज़ करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का। स्पैन को मैं यहाँ पर क्लासेस असाइन करता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं भजन स्पिनर बॉर्डर एंड इसके अलावा एक और क्लास थी स्पिनर। चाहूँ तो मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाकर, लेकिन वहाँ पर हमारा पर टाइम ज़ाया होना है, वेबसाइट का नेम लिखना फिर सर्च करना अपने मतलब का स्पिनर, फिर टाइम वेस्ट होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर खुद कोडिंग कर रहा हूँ, रोल स्टेटस एंड एरिया हिडन, ये आई थिंक हमारा ट्रू है, यस। और यहाँ पर इस स्पैन टैग के बाद मैं एक और स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ, प्लीज़ वेट। ओके सो मैं यहाँ पर डॉट 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 भी डाल देता हूँ। अब इस डिफ टैग के बाद मैं यहाँ पर अपना एक पैराग्राफ भी पुट कर देता हूँ बिकॉज हमें अलर्ट से बाहर आना है। वी आर ट्राइंग, यस भाई हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फेचिंग योर डाटा। ओके मैंने इसको सेव किया, दैट्स मुझे यहाँ पर एरर शो हो रहा है और एरर भी इसलिए शो हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने एल्स कंडीशन लिखी। अब हम लोग यहाँ पर एल्स कंडीशन लिखते हैं, जब मेरी लोडिंग फॉल्स हो जाए तब मेरा ये कोड रन होना चाहिए। सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव। अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ, सो देखें मेरा ये एरर रिमूव हो जाएगा, परफेक्ट। अब देखें खास टाइम के बाद मुझे मेरे टू डूज़ शो हो रहे हैं, लेकिन मेरा वी आर ट्राइंग टू फेचिंग योर डाटा ये लाइन सेंटर, ये लाइन नहीं है सेंटर। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ उसे देखें वी आर ट्राइंग टू फेचिंग योर डाटा, परफेक्ट। ओके सर तो ये जो है वही प्लीज़ वेट, इसको थोड़ी सी पेडिंग मिल जाए ना लेफ्ट साइड से तो काम बहुत परफेक्ट हो जाएगा। जी मैं पर क्लास यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप की PL1, ठीक है जी। रिफ्रेश, अब देखें चिपक के नहीं आ रहा प्लीज़ वेट स्पिनर के साथ। सो परफेक्टली परफेक्टली हम लोगों ने अपनी स्टूडियो एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया है, तमाम की तमाम रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ हम लोगों ने ऐड कर लिया है, हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग फायरबेस को अपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग डेटाबेस में अपने ट्यूडियोज़ को स्टोर कर सकते हैं और ट्यूडियोज़ को कैसे डेटाबेस से हम लोग रिट्रीव करके शो कर सकते हैं और ट्यूडियोज़ को हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को
आज के इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग फायरबेस को एज अ होस्टिंग यूज़ करेंगे, यानी इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग फायरबेस को एज अ होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्टूडियो एप्लीकेशन को हम लोग किस तरीके से फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, और इन फ्यूचर में हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस यानी मैसेंजर का क्लोन, एंड इसके अलावा मज़ीद एप्लीकेशन रिएक्ट जैसे कि पिक्सेल्स का क्लोन एंड गैलरी एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस, नोड जेएस के थ्रू हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन क्रिएट करना सीखेंगे। सो प्लीज़ मेरे साथ टच रहिएगा, मेरे इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुँच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर एंटर हुए हैं। सो गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।